नमस्कार, मैं उप्रिया। आज है 25 अगस्त। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 1,23,000 के पार। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बीते दिन पिछले 24 घंटे में 1,227 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,23,383 पर पहुंच गई है। अगर प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 13, अरवल में 9, औरंगाबाद में 22, बांका में 2, बेगूसराय में 13, भागलपुर में 42, भोजपुर में 49, बक्सर में 12, दरभंगा में 29, पूर्वी चंपारण में 68, गया में 54, गोपालगंज में 2, जमुई में 11, जहानाबाद में 35, कैमूर में 6, कटिहार में 33, खगड़िया में 9, किशनगंज में 13, लखीसराय में 18, मधेपुरा में 29, मधुबनी में 34, मुंगेर में 4, मुजफ्फरपुर में 75, नालंदा में 34, नवादा में 8, पटना में 225, पूर्णिया में 36, रोहतास में 44, सहरसा में 65, समस्तीपुर में 34, सारण में 27, शिवहर में 20, सीतामढ़ी में 29, सिवान में 18, सुपौल में 28, वैशाली में 21, पश्चिम चंपारण में 51। वहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार ठीक होने वाले मरीजों की संख्या अब 1,01,362 पर पहुंच गई है। वहीं कोविड-19 की वजह से 627 लोगों की जान जा चुकी है। बिहार के पटना मुजफ्फरपुर में 500 बेड के कोविड-19 अस्पताल को फंड देगी केंद्र सरकार। बिहार में कोविड-19 के खिलाफ जारी जद्दोजहद में बिहार सरकार को अब केंद्र सरकार का साथ मिलने वाला है, जिसके तहत पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट बिहार की मदद के लिए सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के पटना और मुजफ्फरपुर में 500 बेड का कोविड-19 हॉस्पिटल को फंड देने का निर्णय लिया गया है। पीएम केयर्स की मदद से कोविड-19 के जारी जद्दोजहद में काफी मदद मिलने वाली है। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ की तरफ से इस मामले में ट्वीट करके जानकारी दे दी गई है। ट्वीट करके लिखा गया है कि पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट ने पटना और मुजफ्फरपुर में डीआरडीओ द्वारा निर्माणाधीन 500 बेड के कोविड-19 अस्पतालों में फंड देने का फैसला किया है। सड़कों पर उतरने वाले डॉक्टरों के विरोध पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। कोविड-19 के माहौल के बीच पटना उच्च न्यायालय ने सड़कों पर उतरने वाले डॉक्टरों के विरोध पर रोक लगा दी है। कोविड-19 की स्थिति में गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने डॉक्टरों की ड्यूटी ज्वाइन करने का निर्देश दे दिया है। इस मामले में कल यानी कि बुधवार को अगली सुनवाई होगी। आपको बता दें, पटना हाईकोर्ट ने राज्य के डॉक्टरों को आने वाले 27 अगस्त से होने वाले विरोध और उनकी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए 23 अगस्त से विरोध पर बैठे स्वास्थ्य सेवा के कर्मचारियों को भी ड्यूटी ज्वाइन करने का निर्देश दिया है। सीबीआई क्या गहराया सिद्धार्थ पिठानी पर शक। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के मामले में पूरी बागडोर संभाल रही सीबीआई की टीम का शक अब सिद्धार्थ पिठानी पर गहराने लगा है। यही कारण है कि सिद्धार्थ को पूछताछ के लिए फिर से बुलाया गया है। सिद्धार्थ पूछताछ के लिए डीआरडीओ गेस्ट हाउस भी पहुंचे थे, जहां सीबीआई की टीम ने उनसे पूछताछ की है। सीबीआई की टीम ने मुंबई में जांच का चौथा चरण पूरा कर लिया है और उम्मीद है कि जल्द ही सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर सकती है और इसके लिए नोटिस भेज सकती है। सभी जिलाधिकारियों के साथ निर्वाचन आयोग ने की 4 घंटे की मैराथन बैठक। कोविड-19 के माहौल में चुनाव को लेकर आयोग की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसको लेकर लगातार तैयारियां जारी है। बीते दिन बिहार के सभी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ चुनाव आयोग ने लगभग 4 घंटे तक की बैठक की है, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी और आयोग की तरफ से जारी दिशा निर्देश पर विस्तार से चर्चा की गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच श्रीनिवासन ने इस दौरान कोई भी अप्रवासी मजदूर वोटिंग से वंचित न रह जाए, इस बात का आदेश भी जारी कर दिया है। साथ ही बूथों की संख्या बढ़ाए जाने के बाद बूथों पर महिला कर्मचारियों की तैनाती करने का भी आदेश दिया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन 3,304 पंचायतों में हाई स्कूल के शुरुआत करने के दौरान शिक्षा विभाग की तरफ से आयोजित उद्घाटन कार्यक्रम में विभाग के अपर मुख्य सचिव को कुछ दिनों बाद एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने की बात कही है, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने काफी अच्छा काम किया है और अगस्त के अंत में वो रिटायर हो रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद हम इनसे आगे भी काम लेने वाले हैं। इंटर नामांकन की दूसरी चयन सूची आज होगी जारी। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट सत्र 2020-22 के नामांकन के लिए दूसरी चयन सूची आज जारी कर दी जाएगी। दूसरी चयन सूची में जिन छात्र छात्राओं के नाम शामिल होंगे वो विकल्प वाले स्कूल या कॉलेज में 29 अगस्त तक नामांकन आसानी से ले सकेंगे। नामांकन का मौका बोर्ड द्वारा 29 अगस्त तक दिया गया है। इससे पहले इंटर नामांकन के लिए प्रथम चयन सूची बोर्ड ने जारी कर दी थी। प्रथम चयन सूची के आधार पर 7 से 17 अगस्त तक नामांकन का मौका भी दिया गया था। आपको बता दें, बिहार बोर्ड के अनुसार द्वितीय चयन सूची में अगर छात्र को विकल्प वाले कॉलेज या स्कूल पसंद नहीं होंगे तो वो स्लाइड अप के लिए आवेदन कर सकते हैं।
शिक्षक भर्ती में सिर्फ राज्य के निवासी ही कर सकेंगे आवेदन। राज्य पंचायत प्राइमरी स्कूल शिक्षक भर्ती 2020 के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अहम फैसला सुनाया है, जिसके तहत उन्होंने ऐलान किया है कि पंचायती प्राइमरी स्कूल शिक्षक भर्ती में केवल राज्य के निवासी को ही आवेदन करने का विकल्प दिया जाएगा। शिक्षा विभाग की तरफ से इस बाबत जानकारी दे दी गई है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 18 अगस्त को हुई कैबिनेट की एक बैठक में राज्य में शिक्षकों के कई स्तर की भर्तियों की स्वीकृति दे दी गई है। इस बैठक में जिला परिषद, बिहार नगर निकाय, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सेवा विद्यालय और बिहार पंचायत प्राथमिक विद्यालय नियम 2020 की स्वीकृति दी गई थी। कैब सचिव ने बीसीसीआई को पत्र लिखकर जताई चिंता। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार के सचिव आदित्य वर्मा ने बीसीसीआई को पत्र लिखकर पटना के मोइनुलहक स्टेडियम के खराब स्थिति को लेकर चिंता जाहिर की है। कैब के अध्यक्ष सौरभ गांगुली और अन्य अधिकारियों को पत्र लिखकर बताया गया है कि मैं यह पत्र बेहद ही दुख के साथ लिख रहा हूं, खासकर भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष 1996 विश्व कप में केन्या और जिम्बाब्वे मैच की मेजबानी करने वाले स्टेडियम ने कई रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी में मैच की मेजबानी की है। बीसीसीआई के मौजूदा अध्यक्ष ने यहां मैच खेला है कि समिति ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को 10.80 करोड़ की मदद की थी और बिहार में विकास हो सके, मगर इस समय सीएबी ने उसकी मैच फीस टीए और डीए में पैसे भी नहीं मिल पा रहे हैं। बिहार के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के साथ न्याय कब होगा? बिहार के 3304 पंचायतों में 9वीं कक्षा का हुआ शुभारंभ। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार के 3304 पंचायतों में 9वीं कक्षा का शुभारंभ कर दिया गया है। इसके साथ ही अब राज्य के सभी 8386 ग्राम पंचायतों में माध्यमिक शिक्षा की सुविधा बहाल करवा दी गई है। मुख्यमंत्री ने पंचायत और निकाय शिक्षकों के संबंध में कहा है कि उसके लिए जो भी सेवा शर्त में सुधार और वेतन वृद्धि की गई है, यह अंतिम नहीं होगी। आने वाले समय के साथ इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 9वीं कक्षा के शुभारंभ के बाद सभी छात्र छात्राओं के अपने ही पंचायत में इंटर तक की पढ़ाई के लक्ष्य के पूरा होने पर अपनी खुशी जाहिर की है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे मैथिली ठाकुर की। मैथिली ठाकुर आज किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। पेशे से गायिका, इंटरनेट सनसनी मैथिली ठाकुर बिहार की रहने वाली है। उनका जन्म 25 जुलाई 2000 को मधुबनी के बेनीपट्टी में हुआ था। मैथिली ठाकुर ने साल 2017 में प्रसिद्धि के लिए राइजिंग स्टार के सीजन 1 में भी भाग लिया था। मैथिली शो की पहली फाइनलिस्ट रही थी। उन्होंने ओम नमः शिवाय गाया था, जिसने उन्हें फाइनल में पहुंचाया था। इसके साथ ही वो 2 वोट से हार कर दूसरे स्थान पर आई थी। शो के बाद उनकी इंटरनेट लोकप्रियता बढ़ गई थी। यूट्यूब और फेसबुक पर उनके वीडियोज को 70,000 से 7 मिलियन बीच में लाइक्स मिलते हैं। वहीं मैथिली और भोजपुरी गाने गाती हैं, जिसमें छठ गीत और कजरी शामिल है। वो अन्य राज्यों में कई तरह के बॉलीवुड कवर और अन्य पारंपरिक लोकगीत भी गा चुकी है। मैथिली ठाकुर ने अपने संगीत की यात्रा साल 2011 में शुरू की थी। 4 साल बाद उन्होंने एक और रियलिटी शो इंडियन आइडल जूनियर सोनी टीवी पर प्रसारित किया था, जिसमें वो रियलिटी शो राइजिंग स्टार के माध्यम से एक सनसनी बन गई। ईवीएम जांच का पहला चरण हुआ पूरा। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पहले चरण के ईवीएम जांच की प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। चुनाव आयोग के निर्देश पर राज्य के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मशीन सभी जिलों में जून के अंतिम सप्ताह में ही मंगवा ली गई थी। इसके बाद आयोग के निर्देश पर राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवासन ने सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी को ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग शुरू करने का निर्देश दिया था, जिसकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग के निर्देशानुसार ईवीएम की जांच के दौरान सभी जिलों में मान्यता प्राप्त मुख्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर सुनिश्चित की गई थी। सोनू सूद ने 20,000 प्रवासी कामगारों को घर मुहैया करवाने का किया ऐलान। कोविड-19 के इस माहौल में गरीबों का मसीहा बनकर सामने आए सोनू सूद ने प्रवासी कामगारों के लिए एक और अहम कदम उठाने का ऐलान किया है, जिसके तहत बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने 20,000 प्रवासी कामगारों को नोएडा में घर ऑफर किया है, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी है। उन्होंने कहा है कि मुझे अब उन 20,000 प्रवासियों के लिए आवास की पेशकश करके खुशी हो रही है, जिसके माध्यम से नोएडा में परिधान इकाइयों में रोजगार प्रदान किया गया है। सोनू ने आगे लिखा कि 20,000 कामगारों के लिए घर बनाने का काम नेशनल एसोसिएशन फॉर एलिवेशन ट्रैक्टर के अध्यक्ष ललित ठाकुराल के साथ मिलकर 24 घंटे काम करेंगे। 30 तक जीतन राम मांझी लेंगे अपना फैसला। हम प्रमुख जीतन राम मांझी 30 अगस्त तक किसी भी दल में शामिल होने का फैसला ले सकते हैं। दरभंगा जाने के क्रम में पार्टी सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने हाजीपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान उक्त बातें कही हैं और कहा है कि हाँ, यह सही बात है कि हमने महागठबंधन को छोड़ दिया है। कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनाई गई क्योंकि उन्हें प्रजातंत्र में विश्वास नहीं है। 30 अगस्त तक वो अपना स्टैंड क्लियर कर लेंगे। अभी तक हमने कोई रणनीति नहीं बनाई है। आगे 1-2 दिन में फैसला हो जाएगा। बिहार में आज से शुरू होगी बस की सेवा। बिहार में कोविड-19 के माहौल के बीच सरकार ने आज से बस सेवा को दोबारा से शुरू करवाने का फैसला सुनाया है। बिहार सरकार की तरफ से बस मालिक, ड्राइवर, कंडक्टर, जिला प्रशासन और यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। गाइडलाइन के तहत वाहन को हर दिन धुलवाने, साफ सुथरा रखने और समय समय पर हर एक ट्रैक के बाद सैनिटाइज कराने का आदेश दिया गया है। ड्राइवर और कंडक्टर को साफ कपड़े एवं मास्क के ग्लव्स पहनने का निर्देश भी दिया गया है। वाहनों के अंदर एवं बाहर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के उपाय संबंधी पोस्टर, स्टिकर लगवा दिए गए हैं। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा
उपलब्ध कराए गए पैम्पलेट का यात्रियों के बीच वितरण सुनिश्चित करवाया जाएगा। बसों में निर्धारित सीट के अतिरिक्त एक भी यात्री नहीं लिए जाएंगे। साथ ही सभी को सैनिटाइजर उपलब्ध करवाना होगा। बिहार में सब्जी फल और मीट मछली की दुकान खोलने के समय में हुआ बदलाव। सरकार ने सब्जी फल और मीट मछली की दुकान को खोलने के समय में एक बार फिर से बदलाव किया है। दो दिन पहले राज्य सरकार ने सब्जी फल और मीट मछली की दुकान सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी थी, लेकिन अब सरकार ने अपने फैसले में बदलाव करते हुए इन दुकानों के लिए नई टाइमिंग जारी कर दी है। राज्य सरकार ने अब सब्जी फल और मीट मछली की दुकान खोलने के लिए सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक का समय और शाम 4 बजे से लेकर 6:30 बजे तक का समय तय किया है। बिहार में रिकवरी दर पहुंची 82% पर। बिहार में कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यह आंकड़ा अब 1 लाख को पार कर चुका है। बिहार में रिकवरी दर 82% पर पहुंच गई है। पिछले बीते दिन 24 घंटे में 62,000 सैंपल की जांच भी हो चुकी है, जिसमें से 1,227 संदिग्धों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 2,908 लोग स्वस्थ होकर घर वापस लौट चुके हैं। इसके साथ ही अब तक 1,23,383 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसमें से 1,01,362 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। हालांकि सरकार लगातार कोविड-19 के मामलों में नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है, जिसके तहत जाँच की क्षमता भी बढ़ाई गई है। बिहार गंगा नदी के जलस्तर में लगातार दर्ज हो रही है वृद्धि। बिहार गंगा नदी के जलस्तर में लगातार दर्ज की जा रही है वृद्धि। बिहार के गंगा के जलस्तर में बीते दिन वृद्धि देखने को मिली है। पटना में लाल निशान के ऊपर बहने वाली गंगा पूरे प्रदेश में उफान पर थी, लेकिन बीते दिन शाम होते होते पटना और कहलगांव में थोड़ी रुक सी गई थी। हालांकि बक्सर, मुंगेर और भागलपुर में नदी इस साल के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच चुकी थी। उन स्थानों पर गंगा अभी भी लाल निशान के नीचे दर्ज की गई थी। गंगा नदी का जलस्तर इस समय पटना के गांधी घाट और हाथीदह में लाल निशान के ऊपर दर्ज किया गया था। गांधी घाट में लाल निशान से 18 सेंटीमीटर ऊपर, जबकि हाथीदह में 35 सेंटीमीटर ऊपर। नदी पटना के पहले और फिर पटना से आगे लगातार ऊपर जा रही है। रेडियो जल्द ही लॉन्च करेगा व्यापक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। कोविड-19 के समय में राजनीतिक दलों के लिए वर्चुअल माध्यम से कार्यकर्ता और जनता के साथ जुड़ना मजबूरी बन गई है, और यही कारण है कि जदयू ने पिछले दिनों वर्चुअल माध्यम से 243 विधानसभा क्षेत्रों में वर्चुअल सम्मेलन कर कार्यकर्ता और जनता के बीच पहुंच बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। वहीं अब jadulive.com ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पार्टी के कार्यक्रम को लाइव करने की तैयारी कर रही है, जिसका उद्घाटन जल्द ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने वाले हैं। हालांकि यह पहला स्वदेशी लाइव प्लेटफॉर्म होने वाला है, जिसमें 1 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य आसानी से पूरा किया जा सकेगा। तेजस्वी यादव के मनाने पर भी रघुवंश बाबू की नाराजगी नहीं हुई कम। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जदयू ने राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावार नेता रघुवंश प्रसाद सिंह को खुला ऑफर दे दिया है। बिहार सरकार के मंत्री जय कुमार सिंह ने कहा है कि अगर रघुवंश बाबू हमारे साथ आते हैं तो उनका पार्टी में स्वागत है। उनके मिजाज और मूड के नेता के लिए जनता दल यूनाइटेड जैसा पार्टी ही फिट बैठता है। हालांकि तेजस्वी यादव के लाख समझाने के बावजूद रघुवंश प्रसाद सिंह ने नाराजगी कम नहीं की है। रघुवंश प्रसाद सिंह ने मीडिया से बातचीत करने के दौरान कहा है कि हमने एक बार में जो फैसला ले लिया है उससे हम पीछे नहीं हट सकते हैं। हमने ना तो कभी अपने सिद्धांतों से समझौता किया और ना ही आगे करने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष का नाम लिए बगैर लगाया गलत प्रचार करने का आरोप। चुनावी साल में बयानबाजी का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन 3,304 पंचायतों में हाई स्कूल की शुरुआत करने के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विपक्ष के नेताओं पर तंज कसा है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि पता नहीं क्यों बिहार में इतना काम हो रहा है, फिर भी कुछ लोग क्या से क्या बातें करते रहते हैं। बिहार का गलत प्रचार किया जाता है, इतना ही नहीं प्रचारित करने से उन्हें आनंद आता है, वो करें, हमें क्या है, हम तो सेवा करने में विश्वास करते हैं। जनता मालिक है और सब कुछ देखती है, हम तो सेवा में विश्वास करते हैं और लोगों के कल्याण का काम करते हैं। बिहार विधानसभा से राजद को अभी भी है लालू प्रसाद यादव पर भरोसा। राजद की पूरी कमान भले ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के हाथों में दिख रही हो, मगर अभी भी राजद सुप्रीमो की हैसियत लालू प्रसाद यादव के हाथों में ही है। राजद के लोग अभी भी तेजस्वी से ज्यादा लालू यादव और राबड़ी देवी के चेहरे पर यकीन करते हैं। राजद ने खुद ही इस ओर इशारा किया है और इस बार भी पार्टी विधानसभा का चुनाव लालू राबड़ी के चेहरे पर ही करना चाहती है। राजद ने अपने कॉन्फ्रेंस हॉल में नेता तेजस्वी यादव की जगह लालू राबड़ी के पोस्टर को ही तरजीह दी है। इस पोस्टर पर ना तो तेजस्वी यादव दिखे और ना ही तेज प्रताप यादव। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने की 15 साल के लालू राबड़ी शासन में खोले गए शैक्षणिक संस्थान के आंकड़ों की मांग। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए लगातार बयानबाजी का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी 15 साल के लालू राबड़ी शासन में कितने शैक्षणिक संस्थान खोले गए हैं इस बात की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिसके तहत सुशील कुमार मोदी ने राजद कांग्रेस को चुनौती दी है और कि वो बताएं कि उनके 15 साल के राज में क्या एक भी नया शैक्षणिक संस्थान खुला था। गाय चुराने वाले, भैंस चुराने वाले, चूहा पकड़ने वाले, पढ़ना लिखना सीखो का नारा लगाकर जो 113 चरवाहा विद्यालय खोला गया था, उन्हीं में राज में पूरी तरीके से वो बंद हो गया, जबकि एनडीए में इन सभी लोगों के लिए स्कूल मुहैया करवाए गए हैं और उनके लिए पढ़ाई की व्यवस्था भी की गई है।
रिकी पोंटिंग ने महेंद्र सिंह धोनी के महान कप्तान होने की बताई वजह। देश से लेकर विदेश के खिलाड़ी भी महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी के कायल है और इसी क्रम में ऑस्ट्रेलिया को लगातार 2 विश्व कप जिताने वाले रिकी पोंटिंग ने भी महेंद्र सिंह धोनी को लेकर हाल ही में अपना बयान जारी किया है। उनका यह भी मानना है कि महेंद्र सिंह धोनी एक लीडर के रूप में जो कर सकते हैं वो खुद रिकी पोंटिंग कभी नहीं कर सकते हैं। धोनी तीनों ICC ट्रॉफी 2007, T20 विश्व कप 2011 में वनडे विश्व कप और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाले दुनिया के इकलौते कप्तान हैं। वो अपनी भावनाओं को कभी प्रकट नहीं होने देते। यह एक अच्छे कप्तान की निशानी है। महेंद्र सिंह धोनी भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के भी सफल कप्तान हैं। स्वदेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जल्द ही होगी लॉन्च। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से आयोजित ऐप चैलेंज प्रतियोगिता में प्रसिद्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जूम के भारतीय विकल्प पेश किए गए हैं। इस प्रतियोगिता में कई कंपनियों ने हिस्सा लिया था जहां पर जूम ऐप से बेहतर फीचर दिए गए हैं। इनमें से एक ऐप पिकनसोल और दूसरी सर्व वेब ऐप है। इन ऐप्स की खासियत यही है कि इसमें भारतीय जरूरतों को देखते हुए डिजाइन किया गया है। हालांकि इस एप्लीकेशन का फोकस शिक्षा और टेलीमेडिसिन पर है क्योंकि कंपनी का मानना है कि कोविड-19 के माहौल में इन दो सेक्टर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मांग बढ़ी है। इसकी क्वालिटी बाकी सभी ऐप से काफी ज्यादा बढ़िया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है मोहम्मद मोनिश, कुंदन कुमार, पंडित मिथुन कुमार, कुमार प्रदीप, सुषमा पाठक, विशाल कुमार, पुनीत रॉय, आशुतोष कुमार, राजीव चौधरी, मिथिलेश कुमार, वीरू बाबू, दिव्यांशु कुमारी, अंकुश कुमार, विजय कुमार, ऋषि गेमिंग, रमेश कुमार, विकी कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भारतीय क्रिकेट टीम का अब तक का सबसे सफल कप्तान कौन रहा है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।